हेलो दोस्तों, हमारे पास आई है एक्सेस, जो कि हमने इसका इंजन का काम किया है। इंजन का काम करने से पहले इसके अंदर ऑयल नहीं था, ऑयल के कारण ये कैंसापट और रॉकर कट गए थे। तो हमने इसको नए डाले। नए डालने के बाद इसका ऑयल सप्लाई चेक किया तो ऑयल सप्लाई कम्पलीट था। गाड़ी 50-60 किलोमीटर चली, चलने के बाद ये नए कैंसापट को काट दिए, जो कि इसका ऑयल सप्लाई ओके था, फिर भी ये काट दिए। हमने फिर से इंजन खोला, खोलने के बाद नए रॉकर लाए और कैंसापट लाए। आप देख सकते हो इसमें भी ये सेम प्रॉब्लम आ रही थी। तो हमने फिर से इंजन खोला और पॉट चेक किया, तो पॉट आपको दिखाते हैं कहाँ पे। हम अभी नई वाली कैंसापट डाल के आपको चेक कराते हैं कि आखिर फॉल्ट कहाँ है। जो कि इसका ऑयल सप्लाई कम्पेट आ रहा है, फिर भी ये कैंसापट काट रही है और रॉकर भी ख़राब कर रही है। तो आपको दिखाते हैं, इधर से इधर आता है 8 नंबर बोल्ट, जो कि ऑयल सप्लाई करता है। तो हमने अभी इधर से बोल्ट खोल दिया है और आपको चेक कराते हैं। हम अभी इधर से ऑयल डाल के चेक करते हैं। आप देख सकते हैं ऑल बाहर आ रहा है, पर कैंसापट से बाहर नहीं आ रहा। अभी पुरानी वाली चेक करते हैं। अभी ये पुरानी वाली कैंसापट है, इसको हम चेक करते हैं। इधर से ऑल डाल के चेक करते हैं। ऑल डालो, आप देख सकते हो इधर कैंसापट से ऑयल निकल रहा है, जो कि नई वाले में नहीं निकल रहा, क्योंकि नया वाला पार्ट्स में इधर जो पैकिंग आता है वो पैकिंग नहीं आया, और हमने इतने बारीकी से चेक नहीं किया और हमारे कैंसापट ख़राब हो गई, जो कि हमने नई डालनी पड़ी। और नई डालने के बाद ये प्रॉब्लम कर रही थी, तो हमने चेक किया। चेक करने के बाद पता चला ये इस पैकिंग डालना पड़ेगा, या फिर ये पॉलर वाली बेयरिंग नहीं डालनी पड़ेगी। आपके पास भी ऐसा फॉल्ट आए तो आप चेक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों।